खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी महीने शुरू हो रहे रमजान को लेकर सिटी थाना एसएचओ निर्मल सिंह ने ईदगाह बस्ती में स्थित मस्जिद में जाकर मौलाना मोमीन से बात की। उन्होंने मौलाना को कहा कि मस्जिद में नमाज न पढ़कर अपने अपने घर पर ही नमाज पढ़ें। सोशल डिस्टेंस की पालना व लॉकडाउन की पालना को लेकर भी एसएचओ ने समझाया। उन्होंने लाउड स्पीकर पर भी ना चलाने के आदेश दिए। अगर उन्होंने कहा कि अगर सरकार के आदेशों की अवहेलना होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि रमजान लगभग एक महीने चलता है और एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। इसी को लेकर मस्जिद में रह रहे मौलाना व अन्य से आग्रह किया गया कि आप अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। भाई मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से इसलिए कोई मस्जिद में ना आए। आप यहाँ पे खड़े हैं, अलग अलग खड़े हैं, ठीक खड़े हैं, तो कृपा करके अब ये रमजान का जो महीना शुरू होगा इस दौरान अपनी जो धार्मिक क्रियाएं हैं कर दो। नहीं वो ही कोई डायरेक्शन नहीं, मैं कैसे परमिशन दे, ये पढ़ लो यार। ये नहीं वो तो आप ही हो, नहीं मैं कोई भी अनाउंसमेंट कर दे। डीजी साहब जो है ना, डीजी की चिट्ठी आ रही है, मैं ना आना था कहीं अनाउंसमेंट पे, मैं रोज आपको मिलता हूँ। हाँ मिल, कोई बात नहीं सर, हम देख लेंगे। फालतू दो आदमी देंगे, तीन तो कम से कम है। ठीक है सर, ठीक है, पक्का रह जाते हैं। हाँ। उसके लिए सिर्फ दो आदमी 10 दिन के लिए। हाँ। सिर्फ दो। हाँ। वो नहीं पांच चार। हाँ। सिर्फ दो ही बैठते हैं। हाँ। हाँ। मस्जिद में बस एक कुएं में और एक कुएं में, ना वे बाहर आएंगे, ना वे घर पे जाएंगे, ना वे किसी से मिले। सर रमजान को लेकर, रमजान का महीना शुरू होना है परसों से, जो यहाँ मस्जिद में आए हम, यहाँ की जो कमेटी के मेंबर हैं इनसे प्रार्थना की है भाई, आप रमज़ान का महीना शुरू होने के दौरान कोई भी मस्जिद में ना आए। जो सरकार की गाइडलाइन है लॉकडाउन के दौरान उनको माने, अपने घर में ही रमज़ान जो होता है, इनकी जो धार्मिक क्रिया घरों में ही रहेगी करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और लॉकडाउन की पालना करें। लाउड स्पीकर वगैरह चलाया जाएगा नहीं, ये अभी गाइडलाइन के अनुसार देखेंगे इनको। अभी तो ये किया, जैसे भी सरकार की डायरेक्शन है उसके अनुसार ही आप अपनी धार्मिक क्रियाएं करें। सर इसके अलावा हमने जो इनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे बात की है भाई, कोई यहाँ बंदा बाहर का ना आया हो और कोई बीमार हो, जो जिसमें कोई कोरोना के सिम्टम हो, सभी ने मैंने डिस्कस किया है, इन्होंने बताया भाई यहाँ कोई बाहर का बंदा नहीं आया, फिर भी इनसे यही डायरेक्शन की है भाई आप अपना एरिया में, अपने एरिया में ध्यान रखें, कोई बाहर का बंदा ना आए, अगर आते तो पुलिस प्रशासन को सूचित किया जाए। जिस तरह से अब रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है आपका, उसको देखते हुए सरकारी गाइडलाइन अब किया, उसके बाद घर में ही मनाएंगे, आपका क्या कहना है? जो सरकारी गाइडलाइन है उनका पूरा पालन करें। असल में आज एस एच ओ साहब से सुबह हमने एक दरख्वास्त रखी थी कि हमारा रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में हम लोग तरावी पढ़ते हैं 20 रकात एक्स्ट्रा, तो उसमें कुछ लोग ये इकट्ठा हो जाते थे, नमाज़ों में तो होती थी, तो हम ये सोचते थे कि एक दो आदमी तो नमाज़ पढ़ ही रहे, एक दो आदमी और हो जाए, 4 या 5 आदमी हो जाए, और इसी तरह से रात में सहरी का ऐलान करते हैं, जो खाना खाते हैं रात में शहरी में, तो उसका ऐलान होता है, उसके बाद बंदी का वो खाना नहीं खाना उसका ऐलान होता है। तो ऐसे तो साहब ने कहा कि भी मैं डिस्कस करूँगा और जो गाइडलाइन मेरे को होंगी वो मैं तुम्हें बता दूँगा। तो अभी तक तो जो हमें आदेश मिले उनका पालन कर रही, आगे जो मिलेंगे उनका पालन करेंगे। ठीक ठीक, एक बार नाम और बताना है। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद मोमिन। ठीक है, मतलब छह साल है हमारे, दिन रात के हो ना हैं, तो आप ही हो गए तो आपने क्या रखना है, आप बता रहे हो इनसे टाइप रखना, गुलाब सिंह से इनसे जो मैं तो बात करूंगा बाबा जी बोलता है। ला देंगे ना, खुद ठीक हो तो आपका परिवार ठीक है, आपका परिवार ठीक है तो समाज ठीक है, अगर मेरे का कुछ हो गया ना, मेरे का बड़ा रिश्ते है,
वैसे तो हम किसे बकवास करते हैं, पूछोगे ना? मैं बता दूं बात, हमारा एक मुलाजिम बीमार हो गया, तीन ताले के अंदर बंद कर दिया, बता क्या करें हम उसका? नहीं नहीं गुलाब की तो मतलब बताता हूँ मैं आपको, ऐसी खतरनाक बीमारी है, अपने आप को सेफ रखो। प्रशासन वैसे नहीं है, प्रशासन